बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीरियाडिक टेबल, और आज का मॉडर्न पीरियाडिक टेबल इन लोगों की एफर्ट से वजूद में आया। उनमें से एक डॉब्राइनर भी हैं, जिन्होंने 1829 में लॉ ऑफ ट्रायड्स दिया। क्या है ये लॉ ऑफ ट्रायड्स? अगर आप पीरियाडिक टेबल में कोई से तीन एलिमेंट ग्रुप के अंदर ले लो, कोई से तीन, तो वो कहता है कि अगर आपको फर्स्ट और थर्ड का एटॉमिक मास पता है तो आप मिडल वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास ढूंढ लोगे। शायद आज की दुनिया में ये कोई बड़ी बात ना हो, लेकिन उस वक्त जब पीरियाडिक टेबल अभी इस्टेब्लिश हो रहा था, चंद एक एलिमेंट के बारे में सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिली थी, तब ये बात बड़ी अहमियत की हामल थी। जब एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास नहीं जाना जाता था, उस वक्त इसने ये काम किया। जैसे अगर आपको लिथियम और सोडियम और पोटेशियम के बारे में अगर बताया जाए, तो लेट्स सपोज कि आपको सोडियम का एटॉमिक मास नहीं पता, तो डॉब्राइनर ने ढूंढ निकाला, लिथियम और पोटाशियम के एटॉमिक मास को ऐड किया, टू पे डिवाइड किया, दैट वाज एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। जैसे लिथियम का एटॉमिक मास 7 है, पोटाशियम का 39 है, अरिथमेटिकली इसको जब ऐड किया तो दैट इज 46, जब टू पे डिवाइड किया तो इट इज 23। दैट इज एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट सोडियम। जैसे सादा से लफ्ज़ों में अगर आपको कोई तीन लोगों का, तीन भाइयों का तारफ कराया जाए, तीन भाइयों का, आपको पहला भी दिखा दिया जाए, आपको तीसरा भी दिखा दिया जाए, आप उसके शक्ल से, उसके हाइट से, उसके वज़न से, उसकी बोल चाल से, और तीसरे के भी हाइट, शक्ल, बोल चाल से जब वाकफ़ हो जाओगे ना, तो आपको उनका मिडल वाला भाई ढूंढना आसान हो जाएगा। यही किया था डॉब्राइनर ने। डॉब्राइनर ने फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बना पे एक जो मिडल वाला एलिमेंट था उसको ढूंढ निकाला। दिस इज लॉ ऑफ ट्रायड्स। लेकिन ये उसकी खामी थी कि उसने जो एलिमेंट दरियाफ्त किए वो सिर्फ 20 तक, कैल्शियम तक, ये वाली बात ज़्यादा फिजिबल थी, इससे ऊपर ये ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं थी। इसलिए डॉब्राइनर वाज इग्नोर्ड एंड इवन क्रिटिसाइज्ड बाय इट्स को वर्कर, इट्स को साइंटिस्ट। उस इरा में उसको ज़्यादा अहमियत ना मिल पाई, लेकिन उसने बड़ा कमाल काम किया कि कई एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज कर दिया कि जैसे वो सच में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, एक दूसरे के साथ रिलेशन में थे, एक दूसरे के साथ बॉन्ड में थे।